एक लीटर में 200 किलोमीटर पर लीटर चल सकती है। ये रहा इसका 360 डिग्री कैमरा। सिर्फ क्वालिटी ही नहीं अच्छी बल्कि इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर नहीं की जाएगी, बिकॉज अब चेक करते हैं इसकी फ्यूल लिड। बट ये फ्यूल लिड नहीं है, यहाँ तो चार्जर लगेगा, एसी चार्जर डीसी चार्जर दोनों ही लगेंगे। आपके हिसाब से ये एसयूवी कितना माइलेज देगी? मैं बताती हूँ, एक लीटर में 200 किलोमीटर। यस, यकीन ही ना हो रहा। कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं आपको यकीन दिला दूंगी। ये है ग्रेट वॉल मोटर्स की तरफ से एक प्रीमियम एसयूवी जो कि एक लीटर में 200 किलोमीटर पर लीटर चल सकती है। 200 किलोमीटर पर लीटर, वाओ, अमेजिंग। बट इतना ही नहीं, इसमें सारे फीचर्स आते हैं। हम कहते हैं ना, एक ऐसी कार होनी चाहिए जिसमें सब कुछ मिले, माइलेज मिले, सेफ्टी मिले, प्रीमियम फीचर मिले, बड़ी स्क्रीन मिले, वेंटिलेटेड सीट्स मिले, सब कुछ है, सब कुछ, लिटरली सब कुछ आपको ऑफर किया जाता है। ये है हैवल H6 जो कि प्लग इन हाइब्रिड है। 200 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज का राज मैं आपको बताऊंगी आज। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो डिज़ाइन से बात करेंगे। एक तो इसकी लुक्स इतनी ज़्यादा अमेजिंग है ना, एक प्रॉपर एसयूवी बोल्ड लुक के साथ ऑफर करी जाती है। ग्रिल आपको पियानो ब्लैक और क्रोम की फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगी। हैवल की बड़ी सारी बैजिंग मिल जाती है। एंड ये रहा इसका 360 डिग्री कैमरा। एंड इसकी जो क्वालिटी है, इम्प्रेस होने वाले हो। इवन मुझे लगता है कि आपके फ़ोन से भी ज़्यादा क्लियर इसमें क्लैरिटी है। नीचे की तरफ देखोगे आपको बॉक्स दिखेगा, ये कोई ऐसे बॉक्स नहीं है, ये है रडार सिस्टम। इसमें आपको ADAS फीचर तक मिलते हैं। वाओ, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन कीप असिस्ट, कितने फीचर चाहिए सब फीचर मिलेंगे। ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट में 6 फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। लाइक सेफ्टी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। लाइट सेटअप कम्प्लीटली LED दिया गया है, जो कि स्लीक आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं। एंड नीचे आपको फॉग लैंप भी मिलते हैं, वो भी आपको LED ऑफर किए गए हैं, वो भी आपको काफ़ी स्लीक छोटी सी हाउसिंग में दिए गए, बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, ये साइज वाइज कम्पीट करती है टाटा हैरियर को और MG हेक्टर को, और फीचर वाइज कम्पीट नहीं कर सकती, बस इतने ज़्यादा फीचर्स है जो कि दोनों गाड़ियों में मिलके भी नहीं आते, मतलब सीरियसली। और हम बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। साइड में सबसे पहले आते हैं अलॉयज, 19 इंचेस के मैसिव और अमेजिंग डिज़ाइन के साथ आपको मिल जाते हैं इसके डायमंड कट अलॉयज, और बहुत बड़ी वेंटिलेटर डिस्प्ले को आपको ऑफर करी जाती है। और ये जो टायर का साइज़ कह रही हूँ, ये 19 इंचेस मिलता है, बिकॉज इसमें आपको स्पोर्ट्स एडिशन में मिलता है। दूसरे वेरियंट्स लोगे उसमें आपको 18 इंचेस के अलॉयज मिलेंगे, बट 18 इंचेस भी कोई छोटा साइज़ नहीं होता, वो भी कमाल लगने वाले हैं। और इसमें फीचर जैसे कि आपको 360 डिग्री कैमरे का इसका लेफ्ट कैमरा, इसी तरह दूसरे ORVM पे राइट कैमरा, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, यही तो नॉर्मल छोटे मोटे फीचर्स है। फीचर्स तो असली में आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों को ही मिलते हैं। एंड प्रॉपर आपको फुटस्टेप भी दिया जाता है, एंड अच्छी खासी आपको लेंथ मिल जाती है। मैं डिमेंशन मेंशन कर देती हूँ, टाटा हैरियर की, हैवल H6 की एंड MG हेक्टर की, आपको बहुत बढ़िया आइडिया हो जाएगा ये इन दोनों से साइज वाइज कम्पीट करती है। इस तरफ देखोगे आपको प्रॉपर फंक्शनल रूफ रेज मिल सकती है, मतलब ये कंप्लीट SUV है, कंप्लीट सारे काम करती है। फंक्शनल रूफ रेज आपको मिलती हैं क्रोम की फिनिशिंग के साथ, सिल्वर फिनिशिंग के साथ। एंड पीछे आप देखोगे आपको जो 19 इंचेस के रियर व्हील्स मिलते हैं ना, उसमें भी आपको बड़ी वेंटिलेटेड डिस्प्ले ऑफर करी जाती है। ऑल फोर डिस्क ब्रेक तो है ही, बट अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि इसका साइज़ में फ्रंट डिस्क ब्रेक जितना ही है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज ही किया। कहीं क्या होता है कि रियर में डिस्क ब्रेक दे तो ज़रूर देते हैं, बट उसका साइज़ डिक्रीज कर देते हैं, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक सी आपको क्लैडिंग मिल जाती है जो इसके साइड प्रोफाइल को सूट कर रही है। अब चलते हैं रियर। रियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आपको मिलती है इसकी रियर प्रोफाइल। स्पॉइलर पे आपको मिल जाता है इतना बड़ा हाई स्टॉप लैम्प, सारे फीचर्स, डीफॉगर, वाइपर, वॉशर सब ऑफर किया जाता है। और पूरी स्ट्रिप मिल जाती है इसकी टेल लैम्प की, LED टेल लैम्प आपको ऑफर की जाती है। रियर में भी आपको ऑल LED लाइट्स मिलती है। हैवल की बड़ी सारी बैजिंग मिल जाती है, आपको पियानो ब्लैक की लाइनिंग, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। ये रहे इसकी रियर पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाता है, और ये है H6, बिकॉज ये हैवल H6 है। एंड PHEV
यानी कि ये प्लग इन हाइब्रिड है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बैजिंग लगी हुई है। इस साइड पे GWM यानी कि ग्रेट वॉल मोटर्स का ये कार है। नीचे भी जो इसका रियर बम्पर का डिज़ाइन है वो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको 6-6 ऑफर किए जाते हैं, और इतना ही नहीं आपको इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट भी ऑफर की गई है। मैंने कहा था ना सारे फीचर्स मिलते हैं, कोई भी ऐसे कभी भी आपको किचन में कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। अप्रॉक्स 500 लीटर्स की आपको बूट स्पेस मिल जाती है, ह्यूज, बहुत ज़्यादा सामान रखना, जितना सामान रखना रख सकते हो। और बड़ी आपको ट्रे मिल जाती है, लाइक स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े, आप इजीली सामान रख सकते हो। और आपको इसके लिए मिल जाता है कर्टन, बूट कर्टन, एंड लेफ्ट साइड पे मिल जाती है बूट लाइट जो कि LED ऑफर की गई है। और आपको हुक्स भी दी गई हैं, राइट साइड पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। और इतना ही नहीं, एक और चीज़ मिलती है आपको यहाँ पे, टूल किट की जगह दिया गया है आपको चार्जर। ये इसकी डिटेल मैं आगे जाके बताऊँगी कि क्यों दिया गया है। अब चेक करते हैं इसकी फ्यूल लिड, बट ये फ्यूल लिड नहीं है, यहाँ तो चार्जर लगेगा, AC चार्जर DC चार्जर दोनों ही लगेंगे। बट मैंने तो कहा कि 1 लीटर में आप 200 किलोमीटर चला सकते हो, बट ये कहाँ से आ गया, बिकॉज इसमें आपको बैटरी भी मिलती है, 34 किलोवाट आ की बैटरी। एंड उससे ये जैसे कि प्लग इन हाइब्रिड है, पेट्रोल भी आता है इसमें, मतलब इंजन भी आता है एंड प्लग इन हाइब्रिड भी आती है। तो इंजन मैं आगे दिखाती हूँ और पावर बताती हूँ, बट बता देती हूँ कि इस बैटरी को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है। DC चार्जर लगा सकते हो, यानी कि फास्ट चार्जर, आपको फुल 0 to 80 चार्ज करना है तो ऑलमोस्ट आधे घंटे या 30 to 40 मिनट मैक्स टू मैक्स आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, इसकी 34 किलोवाट आवर की बैटरी। और अमेजिंग चीज़ बताऊं कि अगर सिर्फ बैटरी पे चल रही है ये गाड़ी तो अप्रॉक्स 200 किलोमीटर आप ड्राइव कर सकते हो इस गाड़ी के साथ। अब इसका मेन पार्ट ये ना हो तो आपको 200 किलोमीटर लीटर की माइलेज तो नहीं मिलने वाली, इसमें मिलता आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है। इंजन नहीं, इसमें बैटरी भी तो आती है, इन दोनों की कंबाइन पावर है 326 PS एंड 530 न्यूटोमीटर टॉर्क। देखो माइलेज मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा ही माइलेज मिल जाती है, पावर में कोई कमी नहीं है, फीचर्स में कोई कमी नहीं है, तो कंप्लीट पैकेज मिल जाता है आपको। ये रहा एंड मोटर एंड इंजन, जैसे कि मैंने बताया कंबाइन पावर जनरेट करती है। तो अब बताते हैं इसके फीचर्स, एंड बताना चाहती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है जो कि है ECVT ट्रांसमिशन। एंड बताना चाहती हूँ कि इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर नहीं की जाएगी, बिकॉज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आपको CVT ट्रांसमिशन या फिर कह सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही ऑफर की जाएगी। बट इतना ही नहीं, सिर्फ प्लग इन हाइब्रिड नहीं, हैवल H6 में बहुत सारे फीचर्स के साथ आपको दो और ऑप्शन मिल जाती है, एक तो नॉन हाइब्रिड 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, एंड दूसरी ऑप्शन है कि अगर आपको चार्ज नहीं करना है इसको तो आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ले सकते हो, जिसमें छोटी बैटरी होती है, जैसे कि ग्रैंड विटारा की टेक्नोलॉजी, हाई राइडर की टेक्नोलॉजी है, कुछ उस तरह की आप परचेज कर सकते हो, मतलब वो ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। उसमें भी 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, वो सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड कार है। इस गाड़ी में कोई फीचर्स की तो कमी नहीं, बट एक ऐसी चीज़ जो हर गाड़ी में कमी होती है बट उसको पूरा किया जा सकता है, मेरे पास है आपके लिए इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम स्पार्क। बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, अच्छी चीज़ इसकी ये है कि मेड इन इंडिया है, बिल्कुल भी लीक नहीं होता, लॉन्ग लास्टिक है, 2 to 3 months लॉन्ग लास्टिक है। और जैसे एक्सपेंसिव बॉडी परफ्यूम्स होते हैं कुछ उस तरह की फ्रेगरेंस आती है। और एक और अच्छी चीज़ ये है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, कुछ इस तरह की आगे वाले पैसेंजर को लेके पीछे वाले पैसेंजर पूरी फ्रेगरेंस आती है, तो सारे लोग इंजॉय करने वाले हैं, आपकी जो कार है वो रिफ्रेश रहने वाली है हमेशा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका आपको। डोर साइड देख रहे हो, प्रीमियम क्वालिटी का आपको मिल जाता है, ब्रॉन्ज की फिनिशिंग मिल जाती है, आपको क्रोम नहीं मिलता, नहीं है क्रोम, क्रोम भी मिलता है, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग में मिल जाती है। ORVM के कंट्रोल, सेंटर लॉकिंग और विंडोज के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको सॉफ्ट कुशनिंग मिल जाती है इस तरफ भी, एंड ये भी सॉफ्ट टच मिलेगा आपको। और स्पीकर देख रहे हो, बिकॉज इसमें आपको स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं, 8 स्पीकर सिस्टम हाई क्वालिटी के ऑफर किए जाते हैं। और डोर साइड पे आपको प्रॉपर स्पेस मिलती है, डेडिकेटली बॉटल कप होल रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाती है इस तरफ, आपने और जितना सामान रखना है रख सकते हो, टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर और जितना सामान, वो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या सामान रखना है। अब चलते हैं और फीचर्स की तरफ, क्योंकि बहुत सारे हैं।
पहले तो प्रीमियम क्वालिटी की ड्यूल टोन आपको सीट्स मिल जाती हैं जो कि आपको बेज एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ मिलती हैं। काफ़ी स्पोर्टियर फील हो रही है, अंदर तो पूरी प्रॉपर एसयूवी वाली फील आ रही है बिकॉज है एसयूवी। जो इसकी ड्राइवर सीट है वो मिल जाती है आपको 8-way एडजस्टेबल, जैसे कि फॉरवर्ड करो बैकवर्ड, इसको हाइट एडजस्टेबल किया जा सकता है, हाइट एडजस्ट की जा सकती है और रिक्लाइन किया जा सकता है एंड लंबर सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। अगर मैं कहूँ कि कोर ड्राइवर को कितने इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलती है, 4 इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, जो कि लेफ्ट साइड से खुद को ड्राइवर भी कर सकते हैं और इवन अगर कोई पीछे बैठा है, अगर आप ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो आप उसको भी एडजस्ट करके रिलैक्स होकर जितनी स्पेस चाहिए ले सकते हो। लेफ्ट साइड पे राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों से एडजस्ट की जा सकती है इसकी को ड्राइवर साइड सीट। बट अब फीचर की बात करते हैं, प्रीमियम क्वालिटी का लेदर मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट टच फील हो रहा है एंड इस पर भी आपको ब्रॉन्ज की फिनिशिंग मिल जाती है और स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल आपको मिल जाती है जिससे आप स्क्रीन या फिर जो इसका 10.25 इंच का फुली डिजिटल हाई क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, वॉइस कमांड एंड इसमें आप स्क्रीन को यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हो। इस तरफ आपको मिल जाते हैं बूट ओपनिंग का बटन, फ्यूल लिड ओपन का बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल और लाइट लेवल। नीचे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है एंड ऑफ कोर्स आप इसे हुड ओपन कर सकते हो। प्रॉपर आपको डेड पैडल भी ऑफर किया गया है, बट आई थिंक हाँ पूरा डेड पैडल भी ऑफर किया गया। इवन नीचे भी आपको जो फ्लोर मिलता है ना वो भी उस पर भी प्रॉपर मैट्स हाई क्वालिटी के मिल जाते हैं। ऊपर थोड़ा सा आएंगे जो इसके एसी वेंट्स के पास भी आपको ब्रॉन्ज की फिनिशिंग मिल जाती है, इससे थोड़ी सी ना प्रीमियम और प्रीमियम फील आती है, भी प्रीमियम फील आती भी है। और स्लीक इसके रखे गए हैं एसी वेंट्स, बट ऐसा नहीं है कि थोड़ी हवा आ रही है, प्रॉपर हवा मुझे आ रही है। को ड्राइवर साइड डोर पे भी आपको सेम ड्राइवर डोर जैसी फिनिशिंग मिल जाती है, सिर्फ बटन्स को छोड़ दो बाकी सेम आपको मिलेगा। प्रीमियम लेदर की आपको मिल जाती है कुशनिंग एंड पियानो ब्लैक की फिनिशिंग एंड ब्रॉन्ज की फिनिशिंग एंड स्पीकर सिस्टम से आपको जैसे कि 4 स्पीकर 4 ट्विटर मिल जाते हैं एंड स्टोरेज स्पेस भी सेम आपको ह्यूज स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। अब दिखाती हूँ इस साइड वाले फीचर्स। नीचे देखोगे 4-way एडजस्टेबल एंड इस साइड से भी आप इसको एडजस्ट किया जा सकता है। लुक एट द डैशबोर्ड, प्रीमियम क्वालिटी का पहले तो मैं हाईलाइट जो बताना चाहती हूँ इसका मिल जाती है। एम्बियंट लाइटिंग क्योंकि बहुत ही बढ़िया लग रही है एंड इवन इसमें जो आपको ब्रॉन्ज की फिनिशिंग मिल जाती है ना वो आप हाईलाइट कर रही है इसके डैशबोर्ड को। बड़ी 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी, कनेक्टेड फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, एक तो इसकी जो क्वालिटी है ना इतनी क्लियर मिल जाती है, सच्ची बताऊँ ना कि मतलब कहीं ना कहीं आईफोन की क्वालिटी या फिर जो महंगे फ़ोन होते हैं उतनी आपको क्लैरिटी ऑनेस्टली मिल जाती है। और मैं आपको दिखाती हूँ इसका 360 डिग्री कैमरा। ये रहा इसका 360 डिग्री कैमरा। सिर्फ क्वालिटी ही नहीं अच्छी बल्कि जो ये काम ही बहुत अच्छे तरीके से करता है। बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, जैसे कि आप इसके 9 एंगल से आप देख सकते हो, जैसे कि लेफ्ट साइड राइट साइड जिस तरफ देखना है, और इवन नीचे भी देख सकते हो जब आप ने पार्किंग पे गाड़ी लगाई है, कोई नीचे तो नहीं, कोई एनिमल तो नहीं, वो भी आप देख सकते हो आराम से। और अगर मैं इसका 360 व्यू देखूं तो आप देख सकते हो कितने क्लियर से गाड़ी दिख रही है, आसपास जो लोग हैं वो भी आराम से दिख रहे हैं, और इवन अगर मैं डोर खोलूंगी ना इसका तो वो भी मुझे दिखेगा कि डोर खुला हुआ। पहले तो मैं खुद डोर खोलूंगी तो स्मूथली तरीके से दिखाता है कि आपका जो ड्राइवर वाला डोर है वो खुल गया है, बट अगर पीछे वाले कोई खोलता है तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। और इवन जितने भी लोग पास आ रहे हैं या फिर कोई भी एनिमल भी पास आ रहा है उसको डिटेक्ट करता है और डिस्टेंस बताता है सेंटीमीटर्स में, मतलब मिनिमम टू मिनिमम डिस्टेंस कितना है, ताकि आप जब गाड़ी चलाओ ध्यान से देख सको या फिर कोई चीज़ आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ध्यान से देख सको कि आपकी गाड़ी लग ना जाए, तो वो डिस्टेंस दिखाता है मिनिमम से मिनिमम। इस तरफ आप इसके मोड भी चेंज कर सकते हो, इवन जो रियर जो टायर्स हैं उसका एंगल देख सकते हो और फ्रंट टायर का भी एंगल देख सकते हो। डायनामिक गाइडलाइंस आपको मिल जाती हैं इसमें और अलग अलग मोड्स पे सेट कर सकते हो इसको। मतलब ये एक जनरली ऐसा 360 डिग्री कैमरा है जिसमें आपको 360 फीचर्स, मतलब ऑल ओवर फीचर्स मिल जाते हैं। 360 फीचर्स नहीं, मतलब सारी फीचर्स, कहने का मतलब सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। क्वालिटी तो ऑनेस्टली बताऊँ मुझे वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लगी, लाइक जो
महंगी कार्स भी आती हैं उसमें भी इतनी अच्छी वर्किंग के साथ कैमरा नहीं आते, हालांकि क्वालिटी आ जाती है बट इतनी अच्छी वर्किंग के साथ कैमरा नहीं आते इतने फीचर्स के साथ। इस तरफ आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिससे आप थ्रू कैमरा भी कंट्रोल कर सकते हो, एसी कंट्रोल कर सकते हो, जो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और स्क्रीन को भी ऑफ किया जा सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल फीचर है जो कि गर्मियों में काम आता है वो है वेंटिलेटेड सीट्स। मैंने कहा था ना सारे फीचर्स है, सब कुछ मिल जाता है। तो वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको ऑफर किए हैं जो कि आप ऑपरेट कर सकते हो स्क्रीन से, एंड जो इसके ADAS फीचर्स है वो आप MID से एंड जो स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। बाकी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से बटन ही दिए जाते, और जो कि हालांकि इसका जो क्रूज कंट्रोल है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वो लेफ्ट साइड पे आपको दिए गए हैं इसका, और जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है वो भी आपको लेफ्ट साइड के दिए गए, वो थोड़ा सा नीचे ऐसा दिखता नहीं विजिबिलिटी कम, बट जब आप एक बार गाड़ी में बैठ गए बट एक बार ही प्रेस करना है, बार बार तो नहीं करना ना, तो इट्स ओके आई थिंक चलता है। इस तरफ आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जर और कप होल्डर दिए गए हैं एंड छोटी सी स्टोरेज स्पेस दी गई जिसमें आप स्लिप्स रख सकते हो, कॉइन्स रख सकते हो, जो रख रहे हो छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हो, और इवन आपको एडजस्टेबल कप होल्डर दिए गए हैं, आप चाहे छोटे कप हो चाहे बड़े कप हो आप आराम से यहाँ पे रख सकते हो। तो करेंगे बंद, गियर नॉब देख रहे हो कितना बढ़िया गियर नॉब प्रीमियम क्वालिटी का मिल जाता है आपको, और इस पर भी आपको ब्रॉन्ज की फिनिशिंग देखने को मिलेगी। ड्राइव जो इसके मोड्स चेंज करने के लिए जैसे कि आर रिवर्स न्यूट्रल जो ड्राइव पे वो भी बड़े तरीके अच्छे से विजिबल होते हैं। पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है सेंटर कंसोल पे, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड के बटन्स आपको मिल जाते हैं, एंड सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ आपको आर्मरेस्ट विद ह्यूज स्टोरेज स्पेस, स्पेस की भी कोई कमी नहीं है, फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है, प्रॉपर एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिल जाती है, एंड इस तरफ देखोगे आपको ग्लव बॉक्स में भी मोर देन सफिशियंट तो नहीं कह सकते बट ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, कम नहीं बट अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इसको स्कूव रखा गया है सो दैट कि जो को ड्राइवर है उसको नी रूम जितना हो सके उतना मिल जितनी पॉसिबिलिटी हो सके उतना स्पेस मिल सके, स्पेस में भी कोई कमी नहीं है। ऊपर देखेंगे तो आपको ऊपर भी सारे प्रॉपर फीचर्स मिलते हैं जैसे कि ऑटो डिमिंग IRVM, इस तरफ ड्राइवर साइड पे आपको अच्छे साइज का मिरर विद 2 सॉफ्ट लाइट जो कि LED ही है, वार्म लाइट जिसको कहते हैं, एंड को ड्राइवर साइड भी आपको उसी तरह का मिरर विद 2 लाइट्स मिल जाती हैं वार्म लाइट। हालांकि जो रीडिंग लैंप्स है वो LED दिए गए हैं और उनका जो थ्रो है वो भी बहुत ही बढ़िया है, और इसका जो डिज़ाइन है ना इसके ग्लास की हाउसिंग दी गई है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक लग रही है इनकी। एंड आपको मिल जाते हैं बाकी सारे कंट्रोल जैसे कि सनरूफ, जैसे कि मैंने बताया इसमें सनरूफ भी ऑफर किया जाता है, वो भी पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाता है बड़े साइज का, पीछे तक ओपन तो नहीं होता, हाफ ओपन होता है, पीछे तक मिल जाता है जो कि रियर पैसेंजर है उनको भी अच्छा व्यू मिल जाता है, बट मैं पीछे बैठ के बताऊंगी। इस तरह मिल जाते हैं आपको सनग्लासेस होल्डर, एक छोटी से लेके बड़े फीचर आपको सारे ही मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि सनग्लास होल्डर नहीं देते, इसमें सनग्लास होल्डर भी दिए गए हैं, बाकी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब चलते इसकी रियर सीट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक SUV में, क्या आपको रियर में 3 लोग बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, 2 तो चलो बैठ ही सकते हैं बट तीसरे पर्सन के लिए कितनी स्पेस है और फीचर्स क्या मिल जाते हैं वो चेकआउट करेंगे। वाओ, वेरी कंफर्टेबल सीट्स, देखो कंफर्टेबल तो मिल जाती है बट स्पेस भी इंपॉर्टेंट होती है। आप देख सकते हो मुझे नी रूम मोर देन सफिशिएंटली मिल रहा है, इवन लेग रूम भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। उसके अलावा अगर 3 लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं तो मुझे शोल्डर रूम भी आराम से मिल जाएगा, और हेडरूम वाह, अगर कोई लंबा पर्सन भी बैठेगा ना तब भी थोड़ा सा हेडरूम बच जाएगा। आई थिंक यहाँ पे द ग्रेट खली भी बैठ सकते हैं सच्ची, मतलब इतना ज़्यादा हेडरूम आप देख सकते हो। और उसके अलावा जो सेंटर वाला पर्सन है उसको भी कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती है, उसका रीज़न ये है कि टनल बहुत ही छोटी है, मतलब आप कह सकते हो ना के बराबर है। मैं आपको बैठ के बता देती हूँ, मुझे अंडर थाई सपोर्ट तो चलो नहीं मिल रहा बट मैं कंफर्टेबली बैठ सकती हूँ, लॉन्ग ट्रिप्स पे जा सकती हूँ सेंटर पर बैठ के, बट ऑब्वियसली मैं थोड़ी सीट एक्सचेंज कर लूँ क्योंकि मुझे व्यू भी तो देखना है बड़ी सारी इसकी विंडो में। और कम्फर्ट तीनों को मिलता है, एडजस्टेबल 3 हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, और आर्म रेस्ट भी आपको दी जाती है वाइड आर्म रेस्ट सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ, जिसमें आपको 2 एडजस्टेबल कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अब आप जाओगे अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे तो फ़ोन भी तो चार्ज करना है, फ़ोन जब यूज़ करोगे पीछे बैठ के, तो आपको मिल जाते हैं 2 चार्जिंग पोर्ट जिसमें आपको USB Type-A पोर्ट्स दिए जाते हैं, एंड AC वेंट्स भी दिए गए हैं इस तरफ ही।
और सनरूफ का व्यू इतना ज़्यादा बढ़िया है ना, प्रॉपर आपको सनरूफ मिल जाती है और इसकी लेंथ एंड विड्थ दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे कि इसका कंपटीशन हैरियर है उससे तो बड़ी ही सनरूफ मिल जाती है, पीछे तक जाता है इसका ग्लास पैनल तो व्यू मुझे अच्छा मिल जाता है, लाइक यहाँ तक तो है सीट्स पर उसके पीछे भी मिल जाता है तो इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं इंजॉय कर पा रही हूँ आराम से जो व्यू है सनरूफ का। इस तरफ आपको मिल जाती हैं लाइट्स जो कि LED ऑफर की गई हैं, बहुत ही बढ़िया थ्रो मिल जाता है। इनका बेनिफिट ये है कि सेंटर में अगर लाइट नहीं भी है ना तब भी इन दोनों का मिलके थ्रो सेंटर वाले पर्सन को भी आराम से मिल जाता है, तो कम्प्लीटली अगर कोई पीछे बैठा है रीड करना है कुछ तो वो रीड कर सकता है, उसको लाइट की ज़रूरत है तो इतनी सफिशेंट लाइट तो मिल ही जाती है। मतलब कम्प्लीट ऑनेस्टली बताऊँ पैकेज है, कब आ रही है इंडिया में बताओ ग्रेट वॉल मोटर्स, कब आ रहे हो आप, प्लीज़ जल्दी आ जाओ बिकॉज बहुत ज़रूरत है ऐसी एक ऐसी गाड़ी जिसमें आपको कंप्लीट पैकेज कंप्लीट फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। अब बारी आती है कंक्लूजन की, कंक्लूजन वैसे तो आपके सामने है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फीचर है जो इसमें मिसिंग है। हाँ मैं आपको बताना भूल गई, इसमें HUD भी है जो कि एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, तो कंप्लीट पैकेज है तो डेफिनेटली इसको इंडिया में आना चाहिए, हम इतना ज़रूर कहूँगी जब ये इंडिया में आए ऐसे की ऐसे ही आए, प्लीज़ कोई फीचर की कॉस्ट कटिंग मत करना, ऐसे ही लाना, बहुत पसंद आने वाली है लोगों को। आपने कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा आपका फेवरेट फीचर लगा, क्या आपको एक्सटीरियर ज़्यादा लगा अच्छा लगा या फिर इंटीरियर, या फिर कौन सा फीचर आपको लगता है कोई इसके फीचर में कमी है तो कमेंट करके बता दीजिए मुझे। और अगर आपको कुछ और पूछना हो प्लग इन हाइब्रिड के बारे में तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो। सो ये थी मेरी तरफ से वीडियो ऑन ग्रेट वॉल मोटर्स हैवल H6 पे, और इसी तरह की बहुत इंटरेस्टिंग कार्स पे हमने वीडियोस बनाई हैं तो उसे भी चेकआउट कर ले। हम आए हैं बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो पे जहाँ पे हमें मिली है बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्स, और उन इंटरेस्टिंग कार्स की हमने आपके लिए बनाई है डिटेल वीडियो, तो उसे चेकआउट ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।